मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष शुक्रवार को रिलीज हो गई है, जिसे देखने के लिए जहां देश भर में भीड़ उमड़ रही है, वहीं इस फिल्म को देखने के लिए गोरखपुर के सिनेमा हॉल में अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन भी अपनी टीम के साथ पहुंचे। फिल्म देखने के बाद रवि किशन ने फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन भी किया, साथ ही लोगों से अपील की कि ये फिल्म वो जरूर देखें। समस्त भारत से, समस्त हिंदू समाज से जो 100 करोड़ की आबादी है पूरे भारत में और विश्व में, कृपया ये फिल्म ज़रूर देखें। मैं अभी ये फिल्म देख रहा था, क्योंकि मीडिया बाइट देना था तो मैं बाहर आया हूँ। सुबह 9 बजे का शो गोरखपुर, मेरे संसदीय क्षेत्र, पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी का क्षेत्र, गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर ये फिल्म शुरू हुई है। मैं और मेरे पूरे कार्यकर्तागण, हम सभी लोग आए हैं। मैं चाहूँगा कि समस्त परिवार ज़रूर अपने बच्चों को लेकर, अपने माता पिता को, अपनी दादी दादा को लेके, सब लोग मोहल्ला समूह गांव समाज बिल्डिंग सोसाइटी मिलकर सब लोग जहाँ एक साथ टिकट खरीदें ऐसी फिल्म। मुझे ये मीडिया से बात करना था तो मुझे बाहर आना पड़ा। ये फिल्म बहुत ही शानदार, ऐसे ग्राफिक्स मैंने नहीं सोचे थे, ऐसी कहानी को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे डायरेक्टर ओम जी, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। भूषण कुमार जी जो टी सीरीज के प्रोड्यूसर हैं उनको मैं देता हूँ, और सारे कलाकार। ग्राफिक इसका बहुत शानदार था। हमारे देखिए पीढ़ियों को, हमारी सनातनी संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या थे, हमारे बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पाश्चात्य कल्चर में चले गए हैं ज़्यादातर अंग्रेज़ मानसिकता के साथ जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था इतिहास में, हमारे इतिहास को जानना, हमारी पीढ़ियों को, ये फिल्म सभी को देखना चाहिए। सारे राम भक्तों को, मैं एक राम भक्त, मैं एक शिव भक्त, सबसे निवेदन करता हूँ, कृपया आप लोग अपने परिवार के साथ ये राम कथा ज़रूर देखें। और हनुमान जी भी बगल में बैठे थे आज, चूँकि जैसा कि हमारी मान्यता है हिंदुओं की कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी विराजते हैं, वहाँ वो बैठते हैं, तो आज ये मैं प्रोड्यूसर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सोचा समस्त भारत में एक सीट हनुमान जी की भी रखे। तो यहाँ पर केडी मॉल है, उन्होंने भी ये व्यवस्था की थी बहुत अच्छे से, और आज बहुत पूरे मेरे मीडिया कर्मी ने भी फिल्म देखी साथ में। बहुत शानदार फिल्म और बहुत जानदार फिल्म, और प्रभु राम के रूप में प्रभास बहुत अच्छे लगे हैं, सैफ अली रावण के रूप में एक कलाकार के रूप में अच्छे लगे हैं, तो मैं सीता जी के रूप में उन्होंने भी जो कलाकार हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो ऑन द होल मैं चाहूँगा कि अपनी राम कथा, अपना रामायण, प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है जो जनवरी में या उसके आला इसी 2024 के पहले पूरे भारत को उसके दर्शन द्वारपाट खोल दिए जाएंगे। रवि किशन अपनी टीम के साथ गोरखपुर के एक निजी सिनेमा घर में ये फिल्म देखने पहुंचे थे, जहां दर्शकों ने अभिनेता रवि किशन का जय श्री राम के नारों के साथ स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़, यूपी।